हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेवन सिस्टर वीडियो सीरीज। अगर आपने मणिपुर का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ डू चेक आउट। और आज हम देख रहे हैं जर्नी इन मिजोरम। सो आज हम जा रहे हैं भैया, आजवल जाना है। ठीक है, आजवल इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ मिजोरम। इट वॉज ऑफिशियली इस्टेब्लिश इन 25 फरवरी 1890 एज अ फोर्ट एजल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसका जो पॉपुलेशन है वो लगभग 29 लाख के आसपास है और 1132 मीटर हाइट पे ये शहर बसा हुआ है। थैंक यू। 160 किलोमीटर के बाद में पहली बार ये पेट्रोल पंप मिला है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप आसाम ऑयल बोल के एक पेट्रोल पंप है। भैया जगह का नाम क्या है? रोपा। सो रोपा में हमने अभी पेट्रोल फिल किया है और अभी निकलेंगे अजवाल के लिए। यहाँ के रोड छोटे थे बट ये जो पहाड़ी वाला फीलिंग था ना वो बहुत ही मस्त लग रहा था। यहाँ पे जो है तो एक जगह पे मैं रुका, यहाँ पे ये जो आपको पहाड़ देख रहे हैं यहाँ पे जो है तो जिंजर का खेती किया जाता है। तो मैं एक जगह पे विजिट किया बट मैं रिकॉर्ड नहीं किया वो सीन। एक कपल था मस्त, वो जिंजर को निकाल रहे थे वहाँ से, पानी वगैरह पिया, उनके साथ में बातें किए, फिर वहाँ से मैं आगे जर्नी कंटिन्यू किया। बीच बीच में थोड़ा पहाड़ आते हैं, फिर नॉर्मल रोड आता है, ऐसे होते रहता है। ये जब से चालू किया है तब से पूरे पहाड़ी है। अच्छा, पीछे वाला बैकग्राउंड, हाँ ये दिखाता हूँ मैं कहाँ पे बैठा हूँ। मतलब बहुत जगह पे है ना पहाड़ी के जो रास्ते थे तो वो बढ़ा रहे, इसीलिए बहुत जगह पे काम चल रहा था, इसीलिए थोड़ा सा मतलब गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था, थोड़ा सा मतलब काफ़ी मुश्किल हो रहा था, बट स्टिल एन्जॉयड अ लॉट, बहुत मज़ा आया। अभी ना और 100 किलोमीटर कंप्लीट करना है अजवाल को जाने के लिए, बट तो ये पूरा जगह और यहाँ का सीनरी दिखाता हूँ, बहुत सुंदर है। हट है, इसको झोपड़ी बोलते हैं मराठी में, और जो भी आप कहते हो ये दिखाता हूँ पहले। बड़ी प्यारी जगह है ये, बाम्बू से बना हुआ है, एकदम मस्त लग रहा है। मतलब चूल्हा के लिए जगह बना है, खाना पीना बनाने के लिए, कुछ छोटा मोटा सामान रखने के लिए यहाँ पे। और ये नज़ारा बाहर से दिखा था, देखना है। सो लेट्स इट। कि ये झोपड़ी जो है थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर है तो आने के लिए सीढ़ियाँ होगी, सीढ़ियाँ ऊपर आने के लिए। यहाँ पे ही मुझे लेट हो गया, फिर आजवाल तो मैं आज नहीं पहुँचा। वाओ, थैंक यू, दिस प्लेस इज अमेजिंग, आई लव इट, विश आई स्टेड हियर। यहाँ पे कुछ फैमिलीज थे तो उनको पूछ के मैंने यहाँ पे परमिशन लिया रुकने के लिए। देम हो रहा है 6:30 और हम रुके हैं सेतवाल में, है ना? दीदी है, इन्होंने जगह दिया है यहाँ पे रहने के लिए। पे रुकूंगा और मॉर्निंग में फिर चला जाऊँगा आजवाल के लिए। अभी रात में गाड़ी चलाना थोड़ा रिस्की है तो इसलिए यहाँ पे स्टे करेंगे, ठीक है? गुड नाइट। टेंट सेटअप किया, ये जो है तो ये चांपाल बोल के एक जगह है जहाँ पे, ये चांपाल बोल के एक जगह है मिजोरम में। फिर यहाँ पे मैंने मेरा टेंट सेटअप किया और
ये मेरे फ़ोन में वगैरह डिवाइस में चार्जिंग नहीं था, तो रात में वहाँ पे एक वाटर प्लांट था, वहाँ पे जाके चार्जिंग वगैरह किया। सर टाइम 8 o'clock, वी आर इन मिजोरम हैविंग ग्रेट टाइम विद मिजोरम फैमिली बेंजामिन गुड कुक मेकिंग दाल फॉर अस। पूरा जंगल जैसे है ये देखो, ये पूरे छोटे छोटे ट्रीज है यहाँ पे, और पंछियों का आवाज़ देखो कितना मस्त आ रहा है। तो गाइज यस्टरडे मैं यहाँ पे रुका था एक जगह पे, ये सब फैमिली है, इन्होंने बहुत अच्छा हॉस्पिटलिटी दिया और बहुत अच्छा लगा। अभी मैं जा रहा हूँ आइजवाल के लिए। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। सो इनको बाय बोल के मैं निकला आइजवाल के लिए फाइनली। सो ये वाटर प्लांट था यहाँ पे, मैंने कल फोन और डिवाइस चार्जिंग किए। फिर आगे आने के बाद में मैं एक जगह पे रुका, यहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह किया। मंगशा मीन्स बाय बाय, ओके मंगशा, मंगशा। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे एक बंदे के पास में गन था, तो ये गन्स आपको मोस्टली काफ़ी जगह पे यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, हंटिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है, और काफ़ी हैवी था ये। लाइक इट? या वेरी गुड। या महाराष्ट्र? महाराष्ट्र। ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। वेलकम टू मिजोरम। थैंक यू। सिटी का टॉप यही है क्या? इज इट टॉप ऑफ सिटी? ओवर देयर। ओवर देयर? ओके। नियर लुक द एंड इज देयर एनी स्पेस टू स्टॉप? यस स्टॉप देयर। ओके थैंक यू। फिर मैं आइजवाल में पहुंच गया। यहाँ पे आने के बाद में एक गुरुद्वारा था, तो गुरुद्वारा में मैं दर्शन वगैरह लेके आया यहाँ पे। तो यहाँ से दर्शन लेने के बाद में फिर द्वारा में आया था दर्शन में, अभी बाहर जा रहा से जो आगे सिटी पॉइंट, सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, पॉइंट वहाँ पे निकला। सो यहाँ पे जो है तो पहाड़ी एरिया होने की वजह से रोड बहुत ही छोटे छोटे थे, बट काफ़ी अच्छे से अभी जो मैंने सिटी व्यू पॉइंट में, आइजवाल सिटी व्यू पॉइंट में यहाँ पे एक कॉलेज है और उसके अंदर से ये जो है व्यू पॉइंट है, आप देख सकते हो यहाँ से एक कॉलेज है और यहाँ से हम जाएंगे अंदर अभी। सो लेट्स गो। वेलकम टू आइजवाल एटीसी, आइजवाल थियोलॉजिकल, आइजवाल थियोलॉजिकल कॉलेज। थैंक यू सो मच। सो ये एक कॉलेज था। ओके सी यू लेटर। सो यहाँ से जो है तो सिटी का बहुत ही प्यारा व्यू आपको देखने को मिलता है। हाय। उत्तर पूर्व भारत के राज्यों में कई ऐसी जगह है जो बेहद खूबसूरत है और घूमने के लिहाज से बहुत ही अच्छी है। मिजोरम की राजधानी आइजवाल ऐसी ही एक खूबसूरत जगहों में से एक है। समुद्र तल से 1132 मीटर ऊपर स्थित ये खूबसूरत शहर पहाड़ियों और घाटियों से घिरा हुआ है। खूबसूरत वादियों की वजह से इस शहर को लैंड ऑफ हाईलैंडर्स भी कहा जाता है। अभी हम निकले सिटी पॉइंट से, अभी जाएंगे केवी पैराडाइज। आइजवाल शहर खूबसूरत पहाड़ी और घाटियों से घिरा हुआ है। यहाँ के जो रोड है बहुत ही छोटे छोटे हैं, बट मुझे यहाँ की एक सबसे बड़ी और अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे कोई भी हॉर्न नहीं बजाता है। सो मैंने ये चीज़ यहाँ पे एक एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे लोग
बहुत ही कम हॉर्न बजाते हैं, मतलब मैंने देखा ही नहीं किसी को ऐसे बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाते हुए. देन शी वॉज इन पुणे इन स्पाइसर कॉलेज. ओके KV Paradise was monument built in the memory of Miss Rosang Pui Warte, who died in road accident in 2001. It is a two-story structure and the ground floor hosts the erected memorial, along with a huge painting of Miss Warte, and the upper floor has a gallery where her accessories like her footwear, dresses and photographs depicting various phases of her life, including her marriage. अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, अभी वो बाहर से कुछ ड्रोन शॉट लिया है और अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, सो लेट्स गो. हम देखने वाले हैं सोलोमन मंदिर. आइजोल की पश्चिमी सीमाओं पर स्थित ये मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और यह पूरी तरह से हरियाली से घिरा हुआ है. इसे मिजोरम के मुख्य और सबसे बड़े मंदिरों में से एक माना जाता है, जो करीब 3000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है. यह मंदिर इतना बड़ा है कि यहाँ मुख्य हॉल में एक बार में 2000 के आसपास लोग बैठ सकते हैं. ये काफ़ी सुंदर था. हम ये जो है सोलोमन मंदिर देख के आए हैं. अभी हम निकल रहे हैं अगरतला के लिए. पूरा कवर नहीं होगा बट रात में कहीं पे रुक जाएंगे, सो लेट्स गो. मिजोरम में आइजोल में अभी 850 का पेट्रोल भरा है. अंधेरा होने की वजह से मुझे एक जगह पे रुकना पड़ा, सो फिर मैंने एक होटल में खाना वगैरह खा के यही स्टे करने के लिए सोचा. डोंट प्ले विथ इट. सो मिलते हैं नेक्स्ट त्रिपुरा अगरतला के वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.